अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील को किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है, हमने एक मेथड पढ़ा था। आज हमने इसका सेकंड मेथड पढ़ना होगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओपन हर्थ प्रोसेस और आज हमने पढ़ना है बेसीमर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका भी टॉपिक सेम वैसा ही है, इक्वेशंस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बेटा बेसीमर प्रोसेस के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर भी हम स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लेंगे, किससे हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो हम लेंगे कास्ट आयरन। लास्ट टाइम भी हमने कास्ट आयरन की बात की थी तो आज भी क्या होगा, रॉ मटेरियल लिया जाएगा कास्ट आयरन। इस कास्ट आयरन से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब इसमें से कार्बन की परसेंटेज को कम कर दिया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज और इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं, इसे कम कर देंगे तो ये भी स्टील बन जाएगा। लेकिन आज फर्नेस क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, जो बेसीमर प्रोसेस है, ये जो फर्नेस है इट इज़ अ पेयर शेप फर्नेस। पेयर शेप फर्नेस होगी मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स। अगर आप यहाँ पर इसकी फर्नेस की शेप देखोगे तो ये पेयर शेप नाशपाती जैसी शेप होती है इसकी। ये पेयर शेप होती है जबकि इसके बॉटम के ऊपर, इसके बॉटम के ऊपर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं जहाँ से क्या करते हैं, हॉट एयर को पास किया जाता है। हॉट एयर जो यहाँ पर मौजूद होगा कास्ट आयरन, जो यहाँ पर मौजूद होगा कास्ट आयरन, ये हॉट एयर उसे मेल्ट करेगी, उसे मेल्ट करती है। इसके अलावा हॉट एयर क्या करेगी, इसके अलावा ये हॉट एयर ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज करेगी, किसे ऑक्सीडाइज करेगी, कार्बन को और इम्प्योरिटीज़ को। तो हॉट एयर के दो फंक्शन हो गए, एक तो ये कास्ट आयरन को मेल्ट करता है और दूसरा ये ऑक्सीडाइज करता है इम्प्योरिटीज़ को और कार्बन को। तो ये इसके नोजल होता है जो बॉटम से ऐड करते हैं, बॉटम से ऐड करेंगे और इसका नाम होता है ट्वेयर। ट्वेयर कैसे कहते हैं, ट्वेयर कहते हैं नोजल को। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बारीक नोजल बने होते हैं जहाँ से हॉट एयर प्रेशर के साथ इस फर्नेस के अंदर एड अप की जाती है ताकि वो जाकर क्या करेगी, यही फंक्शन करेगी, कास्ट आयरन को मेल्ट और ऑक्सीडाइज करती है। ये ट्वेयर होगा। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट देखें तो इसके फर्नेस के सेंटर में, सेंटर में इसके स्पोर्ट्स लगी होती हैं। इन स्पोर्ट्स का नाम देते हैं ट्रूनियन, ट्रूनियंस होते हैं। ट्रूनियंस क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे दरमियान में स्पोर्ट्स होगी जो क्या फंक्शन करेगी, जो इजीली फर्नेस को मूव करने में हेल्प करेगी ताकि जो इसके अंदर कास्ट आयरन मौजूद होगा उसे इजीली हम दोबारा से बाहर निकाल लें। तो ट्रूनियन दरमियान स्पोर्ट होगी जो क्या करेगी, इजीली कास्ट आयरन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर ये छोटा सा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा फर्नेस है जिसके अंदर तकरीबन 25 से 30 टन कास्ट आयरन डाला जा सकता है एक वक्त के अंदर। तो ये ट्रूनियन होगा जिसे मूव करने में हेल्प करेगा, दोनों तरफ से ऐड होगा। इसके ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर जो होंगे हमारे पास, इस जो हमारे पास मौजूद है फर्नेस, इस फर्नेस के अंदर ब्रिक्स लगी होती हैं, ब्रिक्स लगी होती हैं और उन ब्रिक्स का नाम होता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लाइनिंग होती है। व्हाट इज इट, क्या मतलब है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लाइनिंग का, बेटा ये ऐसी ब्रिक्स है जो हीट रेजिस्टेंस होती हैं। रिफ्रैक्टरी क्या होती हैं, जो क्या होती हैं, हीट रेजिस्टेंस। ये ऐसी ब्रिक्स होती हैं जो हीट रेजिस्टेंस होती हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर यहाँ पर जितना भी बढ़ा देंगे ये ब्रिक्स जो है मेल्ट या इसमें चेंज नहीं आता। तो ऐसी ब्रिक्स को नाम देते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का नाम देते हैं, हीट रेजिस्टेंस होती हैं, स्टेबल रहती हैं हाई टेम्परेचर पर। तो ये हीट रेजिस्टेंस ब्रिक्स हो गई जिन्हें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का नाम देते हैं। जबकि यहाँ पर जैसे ही हम इसे हॉट एयर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एक फ्लेम नज़र आता है, फ्लेम, और ये फ्लेम किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का फ्लेम होता है। इस फर्नेस के अंदर ब्लू कलर का फ्लेम नज़र आता है, ये ब्लू कलर का फ्लेम किस वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है, वो ब्लू फ्लेम देती है। ये ब्लू फ्लेम जब तक बनता रहेगा जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड बनती रहती है। तो ब्लू फ्लेम क्यों होता है? ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये डायग्राम होगी, पहले आप इसे एक्सप्लेन करोगे। अब इस डायग्राम को देखने के बाद अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, किस तरह वर्क है। हॉट एयर पास की, हॉट एयर क्या करेगी, अब क्या फंक्शन होंगे बेटा, क्या फंक्शन होंगे, रिएक्शंस देखें। इसके रिएक्शंस करने के लिए सेम जो हमने पीछे ओपन हार्ट प्रोसेस पढ़ा है उसके रिएक्शन सामने रखो। अगर वो आपको रिएक्शन आते हैं, ये वाले रिएक्शन उससे आसान है, उससे शॉर्ट है, सारे रिएक्शन वही हैं, कोई रिएक्शन न्यू नहीं है। तो वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में बेटा हमने शुरू में क्या लिया, कास्ट आयरन। अब हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे कास्ट आयरन में, अगर आपको याद हो तो रिवाइज करो। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा कास्ट आयरन के अंदर कार्बन, जिसे हमने कम करना होगा, और इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होंगी, इम्प्योरिटीज होगी सिलिकॉन, मैगनीज, फास्फोरस, सल्फर। बेटा ये हम पांच कंपोनेंट्स बार बार पढ़ते आ रहे हैं। रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा, ओपन हर्थ प्रोसेस भी पढ़ा, और आज हम बेसीमर प्रोसेस भी पढ़ रहे हैं। और हर प्रोसेस के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन ही होती है। आज भी ऑक्सीडेशन करेंगे, आज ऑक्सीडेशन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉट एयर पास कर रहे हैं। तो हॉट एयर क्या करेगी, जो शुरू में मौजूद होगा कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन O2 के साथ मिलेगा और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम बनाता है, ब्लू फ्लेम जो फर्नेस के ऊपर नजर आ रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिमूव होते जाएगी और ये फ्लेम बनता रहेगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म होगी, फ्लेम भी खत्म हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ये मैंने हाफ लिखा है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। उसके बाद सिलिकॉन, दूसरी इंप्योरिटी कौन सी है, सिलिकॉन, ये भी ऑक्सीजन से मिलेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी SiO2। ये नॉन वोलेटाइल है, ये गैस की फॉर्म में रिलीज नहीं होती, ये वैसी की वैसी रहेगी। इसी तरह मैगनीज था, ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, MnO। अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, तो SiO2 और Mn ये रिलीज नहीं होते, ये आपस में ही कंबाइन कर जाते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने यही लिखी हुई है, MnO और SiO2 इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, कंबाइन कर दो MnSiO3, मैगनीज सिलिकेट, और ये क्या होता है, स्लैग होता है, स्टोनी वेस्ट मटेरियल होता है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पर कलेक्ट होना, इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्लैग की शक्ल में होगा, झाग की शक्ल होती है, स्टोनी मटेरियल होता है ये। तो ये बन जाएगा, ये इक्वेशन हमने तीन की बात कर ली, कार्बन की, सिलिकॉन की और मैगनीज, ये हमारे पास रिमूव हो गए स्लैग की शक्ल में या ऑक्साइड की शक्ल में। नजीर हम बात करें तो हमने अभी बोला है कि जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीडाइज होता है और प्रोड्यूस करता है ब्लू फ्लेम, ये भी हमने बात की, ब्लू फ्लेम बनाएगा। इसके अलावा जो ये हम ऑक्सीजन पास कर रहे हैं ना, ये जो एयर पास कर रहे हैं, ये एयर जो है कास्ट आयरन मौजूद आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर देती है कुछ मिकदार के अंदर। कास्ट आयरन लिया है ना हमने, तो जो कास्ट आयरन लेंगे उसमें आयरन तो मौजूद होगा, वो भी इस एयर से ऑक्सीडाइज होकर बना देता है Fe2O3 बना देता है। और ये Fe2O3 बनेगा, ये मजीद कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो Fe2O3 बना ये मजीद कार्बन से रिएक्ट करेगा और कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, और जो कि गैस की फॉर्म में यहां से रिलीज होगी, दोबारा Fe बन जाएगा। तो बेटा जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से रिलीज होती रहेगी, ये ब्लू फ्लेम नजर आता रहेगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म होगी, ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएगी। इट मीन कास्ट आयरन के अंदर सारे का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, जब सारे का सारा कार्बन रिलीज हो जाएगा। लेकिन स्टील के अंदर कार्बन तो होता है, तो स्टील के अंदर कार्बन कितना होता है, 0.25 से 2.5% का कार्बन होता है। तो अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कार्बन ऐड करेंगे। हमने स्टील पढ़ा, तीन टाइप्स का होता है ना, माइल्ड, मीडियम या हाई, जो बनाना होगा उसके मुताबिक इसके अंदर हम कार्बन ऐड करेंगे। कार्बन किस तरह ऐड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फेरोमैगनीज ऐड करते हैं। फेरोमैगनीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फेरोमैगनीज क्या होता है, ये मिक्सचर होता है Fe का, मैगनीज का और कार्बन का। क्या फंक्शन होगा, कार्बन के ऐड करने से स्टील बना देगा, जितना हमने कार्बन इसके अंदर की हुई है, फेरोमैगनीज से कार्बन क्या करेगा, कार्बन की परसेंटेज हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कार्बन खत्म हो गई है। लेकिन स्टील के अंदर कार्बन तो होती है, 0.25 से 2.5 जितनी ऐड करनी होगी
हम कार्बन ऐड कर लेते हैं, जबकि इसके तो जो मैगनीज ऐड करते हैं, मैगनीज क्या करता है, मैगनीज गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्टील को स्ट्रेंथ और हार्ड करता है। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये डी सल्फराइज भी करता है, जब सल्फर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास स्टील हार्ड हो जाएगा। अब ये हमारे पास हमने फेरोमैग्नीज इस्तेमाल कर लिया, बेटा हमने जब इसे इस्तेमाल किया तो इस डायग्राम में देखो हम यहाँ से एयर को पास कर रहे हैं, एयर को पास करने से ये हमारे पास कास्ट आयरन जब पास होगा तो इस कास्ट आयरन के अंदर कुछ मिकदार के अंदर हवा दरमियान में रह जाएगी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर, शॉर्ट क्वेश्चन लॉग भी लिखेंगे लेकिन शॉर्ट लग से आता है कि हाउ इंट्रैप्ड एयर इज रिमूव फ्रॉम कास्ट आयरन, जो कास्ट आयरन से हम स्टील बना रहे हैं स्टील बन जाएगा, हाउ द इंट्रैप्ड एयर इज रिमूव फ्रॉम द स्टील, स्टील जो बन गया है उसके अंदर जो कुछ एयर के पार्टिकल्स रह जाएंगे वो तो इम्प्योरिटी से रिमूव कर रहे हैं। एयर के पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें कैसे रिमूव करेंगे क्योंकि स्टील के अंदर इनकी मिकदार रिमूव करनी पड़ेगी, इसे रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मिकदार एलुमिनियम की या फेरोसिलिकॉन की, इन दोनों में से किसी को भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इंट्रैप्ड एयर जो कास्ट आयरन के दरमियान में एयर इंट्रैप रुक गई है उस एयर को रिमूव कर देगा, वो एयर क्या होगी, वो एयर होगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2 कोई भी हो सकता है। तो क्या होगा जब हम इसके अंदर एल्युमिनियम को डालेंगे तो एल्युमिनियम जाकर रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रोजन के साथ जो एयर का पार्टिकल है, तो क्या होना देगा एल्युमिनियम नाइट्राइड की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा नाइट्राइड की फॉर्म में। इसी तरह अगर ऑक्सीजन होगा तो एल्युमिनियम डालने से एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नाइट्राइड की फॉर्म में रिमूव होगा, जबकि ये किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ से इंट्रैप्ड एयर को रिमूव कर लिया जाता है। तो इंट्रैप्ड एयर कैसे रिमूव होती है, या हमारे पास एल्युमिनियम को ऐड किया जा सकता है ताकि स्टील जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में हासिल हो सके। तो बेटा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे याद करने के लिए लाजमी है कि जो हमने लास्ट टाइम बेसिमर प्रोसेस, लास्ट टाइम जो ओपन हार्ट प्रोसेस पढ़ा था, पहले उसकी डायग्राम याद करो फिर इसके डायग्राम को मैच करो, डायग्राम पहले याद करें फिर दोनों के रिएक्शन सेम है, बल्कि इसमें रिएक्शंस कम लिखे हुए हैं तो दोनों के रिएक्शंस लिखो, ये इजीली टॉपिक हो सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अल्लाह हाफिज़।